आज हम सीखने वाले आर्टिकल्स। अंग्रेजी जबान में किसी भी शय का नाम लेने से पहले आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि अलग अलग चीज़ों के नाम होते हैं, हमारे नाम होते हैं, हर चीज़ों को जो नाम, जैसे कि टेबल है, मेरा नाम शाहिद है, तुम्हारा नाम अबूबकर है, तुम्हारे सर में जो टोपी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोपी। तो जो चीज़ों के नाम होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, नाउन। नाउन ओके। तो जो नाउन होते हैं, नाउन के पहले जो है हम लोग आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी ज़बान। और आर्टिकल्स कौन कौन से है, अ, एन, द, ये तीन आर्टिकल है, जिसमें से जो दो है पहले वाले दो अ और एन, इनका हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको चीज पता नहीं हो। अब मैं बात कर रहा हूँ टोपी के बारे में, तुम्हारी टोपी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अ कैप, कैप के बारे में बात कर, आपको पता नहीं किसी कैप की बात चालू, कौन सी कैप के, तो अभी आपके लिए आप मतलब आप जानते हो उसको नहीं ना, नहीं। तुम्हारे लिए बस कोई तो भी कैप है, ओके, अननोन है, जानते नहीं हो आप, ओके, खास नहीं है वो, आम है एकदम, है कोई तो भी यार। तो ऐसे वक्त में जब चीज आपको पता नहीं है, खास नहीं, आम चीज एकदम, तो ऐसे वक्त में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ए और एन, ओके। और जब चीज खास हो जाती है, खास कैसे हो जाती है, जैसे कि ये जो टोपी है अबू बकर की है, द कैप ऑफ अबू बकर, यानी कि अबू बकर की कैप है ना, अबू बकर की टोपी। तो क्यों आए यहाँ, द, क्योंकि वो तुम्हारी ही टोपी है, और क्या चीज खास होगी, क्योंकि तुम्हारी है भी, और तुम उसको जानते हो बराबर, तो द कैप ऑफ द अबू बकर तुम्हारी है, ओके, तो इसलिए द लगे यहाँ। अब हम लोग देखो, अब जब चीजें हमको पता नहीं है तो दो लफ्ज लगते हैं, एक तो ए लगता है, एक तो एन लगता है, राइट। तो जो एन लगता है वो कब लगता है, जब किसी भी चीज का जो नाम है वो वॉवेल से शुरू होता है। वॉवेल्स कौन कौन से है हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, ओके, ये पांच हमारे वॉवेल्स है। जब भी किसी चीज का नाम इन वॉवेल्स से शुरू होगा, जो हम जिसको हम जानते नहीं, वो एक आम चीज है, उसके आगे क्या लगेगा, एन। और जब वो चीज कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, यानी कि वॉवेल्स को छोड़कर दूसरे जो अंग्रेजी के लेटर्स है उनसे शुरू होती है, तब उस पर क्या लगेगा, उसके पहले ए लगेगा या अ लगेगा, ओके। तो हम लोग इस तरीके से अ और एन को इस्तेमाल करते हैं। एन कब इस्तेमाल होता है, जब हम लोग जो भी चीज के आगे लगा रहे हैं उसका नाम जो है वॉवेल से शुरू होना चाहिए। और अ कब यूज करते हैं, जब हम जो जो शय है उसका नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, वो नाउन का नाम जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जब हम लोग उसके आगे अ लगाते हैं। तो मैं अभी तुमको कुछ चीजों के नाम पूछूंगा इंग्लिश में, आपको बताना है उसके आगे अ आएगा कि द आएगा। तो मैं आपको चीज बोलूंगा, आपने अ उसका फिर नाम लेना है आगे, ओके, ठीक है। एप्पल, एन एप्पल। टीचर, अ टीचर। पेन, अ पेन। एलिफेंट, एन एलिफेंट। एन एलिफेंट। ट्री, अ ट्री। रैबिट, अ रैबिट। इरेजर, एन इरेजर। एग, एन एग। एन एग। चेयर, अ चेयर। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ओके, तो जो चीजों के जो नाउन्स के नाम जो है वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, उसके आगे अ एन लगाते हैं, और जो चीजों के जो नाम होते हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम लोग लगाते हैं अ, ओके। इसी तरीके से अगर वो चीज हमें पता चल जाए, हमारे लिए खास हो जाए, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, द, ओके। जब चीज खास हो जाती है उसके आगे क्या लगाते हैं, द। अभी देखो मैं तुमको कहानी बोलता हूँ, उसमें द का, अ का और एन का इस्तेमाल किस तरीके से किया हुआ है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा हुआ करता था। देयर वॉज अ किंग, तुमको पता है कौन सा किंग है भी? नहीं ना, इसका इसलिए इसके आगे क्या लगा है, अ लगा है। अब तुमको मैंने बोल दिया राजा के बारे में, तुमको पता चल गया कौन सा राजा है, पता चल गया, तो क्या लगेगा, द किंग हैड एन एलिफेंट, किंग के पास में एक हाथी था, हेड एन एलिफेंट, ओके। इसका मतलब क्या, किंग के पास में हाथी था। अब तुम हाथी भी जानते क्या? नहीं, नहीं, इसलिए इसके आगे क्या लगा, एन, एन लगा ना, क्योंकि आप जानते नहीं उसको, नहीं। अब मैंने तुमको बोल दिया कि हाथी था, अब तुमको पता चल गया कि भाई एक हाथी था, अब तुमको पता चल गया, द एलिफेंट, द एलिफेंट वॉज वेरी बिग। द क्यों लगा इसके आगे एलिफेंट के आगे, क्योंकि आप इसको जान चुके थे ना, क्योंकि मैं सिविल आपको बोला गया कि एलिफेंट था उसके पास, द एलिफेंट वॉज वेरी बिग, वो हाथी बहुत बड़ा था, है ना।
तो इस तरीके से जब चीज आपको पता नहीं है तो उसके आगे ए और एन इस्तेमाल करते हैं, और जब आपको चीज पता चल जाती है वो खास हो जाती है तो उसके आगे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं।